वेलकम प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 4.1। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। देखिए ये आपको इक्वेशंस दी गई हैं, आपको इस फॉर्म में लाना है। फोर क्वेश्चन में आपने अगर देखा होगा कि इस तरह से क्वेश्चन को आपको इस फॉर्म में लाना था, अब इस तरह से इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। चलिए तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, टी प्लस 4 इज इक्वल टू 15। अगर आप ये क्वेश्चन देखने के बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन का अगर फर्स्ट पार्ट देखते हैं तो सेम टू सेम लैंग्वेज आपको वही मिल जाएगी, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, p और 4 का सम किया गया है। आप लिखेंगे द सम ऑफ नंबर p and 4 इज 15, ठीक है। देखिए ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो लैंग्वेज आपको इसी मिल जाएगी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन 4 भी आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। इसका रिलेशन इन इक्वेशन से और इन इक्वेशन का रिलेशन इनसे आपका, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, m माइनस 7 इज इक्वल टू 3। अगर आप सेकंड पार्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, फ्रॉम y कहाँ पर आता है, आगे, तो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। आप इसमें लिखेंगे, देखिए 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3, 7 सब्ट्रैक्टेड, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3, ठीक है। इस तरह से अब देखिए थर्ड पार्ट, यहां पर देखिए 2 टाइम्स आपका m है इक्वल टू 7, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप अगर थर्ड पार्ट देखेंगे तो आपको यहां मिल जाएगा, यहां पर लिखा है 10 टाइम्स और यहां आपका हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 टाइम्स m इज 7। क्या लिखेंगे, टू टाइम्स m इज 7, ठीक है। ये आपका हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या है, m को 5 से डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर इसका फोर का फोर्थ पार्ट अगर आप देखेंगे, द नंबर b डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पर होगा द नंबर m डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 3, ठीक है। द नंबर m डिवाइडेड बाई द नंबर m डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 3, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट हो गया, अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। इसमें आप देखिए जरा, 3/5 है ना, तो 3/5 ऑफ m इज 6, जैसे यहाँ था ना 3/4 ऑफ t इज 15, उसी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे, 3/5 किसका, 3/5 ऑफ m, ठीक है, 3/5 ऑफ m इज 6, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया फिफ्थ पार्ट। चलिए अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट देखिए, देखिए 3 टाइम्स p है ना, इसमें ऐड कर रहे हैं 4 को, ठीक है, और आपका 25 आ रहा है। आप ये क्वेश्चन देखिए सिक्स्थ पार्ट, 7 टाइम्स m है, यहाँ पर आप लिखेंगे 3 टाइम्स p प्लस 4, यहाँ पर है प्लस 7, यहाँ पर लिखेंगे प्लस 4 गेट यू 25, ठीक है। चलिए 3 टाइम्स p, ठीक है, प्लस क्या है, प्लस 4, ठीक है, गेट्स यू 25, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ पार्ट में क्या है,
यहाँ पर आपका माइनस है, ठीक है। 4p-2=18, इससे रिलेटेड आप देखिए, ये 7th वाला पार्ट है, सॉरी ये 8th वाला पार्ट है। इफ़ यू टेक अवे 6, यहाँ पर आपका होगा इफ़ यू टेक अवे 2 फ्रॉम 4 टाइम्स p, ठीक है, यू गेट 18। इस तरह से क्या लिखेंगे आप, इफ यू टेक अवे, इफ यू टेक अवे 2 फ्रॉम 4 टाइम्स यू गेट 18, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p इज 18, ठीक है, ये लैंग्वेज भी आपकी हो जाती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसमें आप देखिए इफ़ यू एड टू टू हाफ ऑफ p इज 8, टू ऐड कर रहे हैं किसमें, हाफ ऑफ p अपॉन 2 है ना, जिसके नीचे अपॉन 2 होता है उसको ये हाफ हो जाता है, ठीक है, ये p का हाफ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8th पार्ट, देखिए, इफ यू ऐड, इफ यू ऐड 2 टू हाफ ऑफ p, हाफ ऑफ p इज, या यू गेट, ये भी आप लिख सकते हो, यू गेट 8, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है, इतने ही पार्ट थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इसको आप देखिए, एक तरीका और है, मैं आपको बता देता हूँ इसका। कुछ लोग लिखेंगे 1/2, देखिए प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर लिखा था आपने 3 टाइम, जैसे यहाँ पर था आपका 1/4, इसी तरह से आप इनको 1/2 मत लिख दीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए ये इसका हाफ है ना, किसी भी नंबर को आप, जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पर m है, इसके नीचे अगर अपॉन में 2 करता हूँ तो ये इसका हाफ माना जाता है, हाफ m लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, हाफ ऑफ m, ये m का हाफ होगा, इसी तरह से आपका यहाँ पर होगा। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट।